अयोध्या में प्रभु राम के भव्य निर्माण के लिए देश भर में अभियान चलाकर राशि इकट्ठा की जा रही है। वहीं इस अभियान के तहत गोंडा में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान में आज कक्षा 3 में पढ़ने वाली नन्ही बच्ची ने LKG से इकट्ठे किए गुल्लक के पैसों को निधि समर्पण कैंप में जमा कर दिया। अब तक बच्ची अपने गुल्लक में पैसों को आगे की पढ़ाई के लिए जमा करती थी, लेकिन जब उसे यह जानकारी हुई कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण होना है और उसके निर्माण कार्य में पैसों की आवश्यकता है, तो नन्ही बच्ची ने भगवान राम का मंदिर बनवाने में अपना सहयोग करने के लिए गुल्लक में जमा किए पैसों को देने के लिए समर्पण निधि कैंप में चली आई। वहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती ने यह बातें बताते हुए खुशी जताई। देश दुनिया व पूरे भारत भर से हिंदू समाज के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यह मंदिर निर्माण लोगों द्वारा किया जाएगा, न कि किसी सरकार व सरकारी पैसों से। इसलिए आज मैंने अपनी पहली सैलरी से 75,000 रूपए भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि में जमा कराए हैं। यहाँ पे श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए सारा पूरी दुनिया से, मतलब पूरे भारत से पैसा एकत्रित कर रहे हैं हिंदू समाज वाले, उससे मंदिर बनेगा, ना कि गवर्नमेंट के योगदान से। मैं अपनी पहली सैलरी जो मैं कमाती हूँ उसका, मैं अपनी पहली सैलरी का योगदान करने आई हूँ। कहाँ पे आप जॉब कर रही हैं और कितनी सैलरी आप यहाँ पे अपने दाम में? मैं विप्रो लिमिटेड में काम कर रही हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। मैंने 75,000 रुपये दान किए हैं सहयोग में रखे। मैं यहाँ पे जो श्री राम जी का मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, उसके लिए अपना जो पॉकेट मनी मैंने अभी तक LKG क्लास से, अभी मैं 3rd में हूँ तब से मैंने इकट्ठा किया है, उसको मैं राम जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और मैंने कर दिया। वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया था चंद उसमें गुल्लक में, वो किस लिए इकट्ठा किया था? कि मैं आगे चल के बहुत पढ़ाई के काम में यूज़ कर सकूँ। तो अब मैंने जब सुना कि श्री राम जी का मंदिर बनने वाला है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे, जब मैंने सुना तब यहाँ पे आके मैंने समर्पित कर दिया।